आप सभी को नमस्कार। मैं केंद्रीय विद्यालय रायसेन से और विशेषज्ञ हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज पर्सनल हाइजीन डे मना रहे हैं। अब पर्सनल हाइजीन क्या होती है, इस बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद को साफ रखना। आप खुद को कैसे साफ रख सकते हैं? अपने हाथों को रोज़ाना धोइए, अपने नाखूनों को काटिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके जरिए हम खुद को साफ रख सकते हैं। आपको रोज़ाना स्नान करना है, नहाना है आपको रोज़ाना, अपने बालों में अच्छे से कंघी करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने इनर वियर को धोने चाहिए, छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं। और आपको COVID-19 के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आपको मास्क लगाना है, 2 गज दूरी रखनी है, और बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, और बार बार हाथों को वॉश करना है। पर्सनल हाइजीन जब हम रखते हैं बेटा, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। और इसके साथ साथ हमें अपने आप को मानसिक रूप से भी स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। अब मानसिक रूप से स्वच्छ कैसे रखा जाता है, आप सोच रहे होंगे कैसे रहेंगे। तो मानसिक रूप से स्वच्छ रहने का अर्थ यह है कि आपको अपने विचारों को स्वच्छ रखना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है आपको माइंड से। तो मन स्वच्छ रहेगा, तन स्वच्छ रहेगा, तभी हम जो है एज एक विद्यार्थी के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर जो है प्रगति कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।